गाइस आप सबका स्वागत है बेस्ट फैंटेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये वीडियो गाइस आपके लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल भी होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना। जिसको भी स्किप करना हो वो वीडियो अभी से छोड़ के चला जाए, क्योंकि आपका फिर फ़ायदा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाने वाला हूँ, कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आपको सही लगे तो एंड में ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो गाइस यहाँ से आप सब देख लीजिए, स्टार्ट मैं करता हूँ। तो गाइस जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोग जानते हैं गाइस मैं कितने, आज मुझे 18-19 महीने हो गए मैं काम कर रहा हूँ, जब से ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। मेरे चैनल पे गाइस 30-35 सब्सक्राइबर्स थे, तब भी मैंने काम किया है। जिन लोगों को पता है या जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूँ, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही एड सेट करना चालू किए हैं, यानी अपने चैनल का प्रमोशन करना शुरू किया है। उसका रीज़न भी गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं किसी भी ऐप से बात करता था। अब जैसे मैं ये स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप लोग देखते होंगे मैं हर बार अलग अलग ऐप के डाल देता हूँ, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं डाल देता हूँ। मैंने गाइस प्रमोशन इसलिए स्टार्ट किया है चैनल का, अब मैं थोड़ा पैसा खर्च उसमें भी कर रहा हूँ। उसका रीज़न गाइस ये है कि मैं अगर किसी भी चैनल से, सॉरी किसी भी फैंटेसी के ऐप से अगर मैं बात करता हूँ, तो वो लोग कहते हैं सर आप मिनिमम 1,000 सब्सक्राइबर लाइए, और कुछ कुछ क्या बहुत सारे ही कहते हैं आपके मिनिमम 3,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर, तब जाके हम आपको आपसे पार्टनरशिप करेंगे। तो गाइस इसी वजह से अब मैं थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे भी लगता है गाइस अगर मैं किसी ऐप के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ या आप लोग मेरे कहने पे उस पर खेल रहे हो, तो मुझे उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और गाइज इसमें कोई गलत बात है नहीं, सभी लोग करते हैं, कितने लोग तो इसी की वजह से जी रहे हैं। बाकी ठीक है, अपन उनकी बात नहीं करेंगे, अपन अपनी बात करेंगे। तो गाइज इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। अब गाइज ये बात मैंने आपको बता दी प्रमोशन वाली। अब गाइज बहुत से लोग नए आए हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रमोशन वाली बात बता रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोग मेरे चैनल पर पोस्ट जाके मेरे देख लीजिए कितने, मीडिया देख लीजिए कितने, और मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा काम किया है। अब गाइस विनिंग की बात करते हैं, तो कल कुछ लोग नए आए होंगे चैनल पर, और कल ही ऐसा हुआ है कि जो दोनों ही तीनों मैच थे वो अपने ख़राब गए हैं। तो ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं वो जानते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया भी पर्सनल लॉस 22,000, तो कल 22,000 करीब का मेरा खुद का लॉस हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था। ये दोनों मैच का था, प्लस मेंस वाला जो मैच था ये वाला, उसमें भी मेरा लॉस ही हुआ था, बिकॉज इमरान ताहिर अपन लिए नहीं थे, उसने बॉलिंग से लास्ट में 3 विकेट निकाल दिए बैक टू बैक। तो गाइज इस वजह से हो गया, ठीक है वो बात अलग है एक। तो आप लेकिन गाइज अगर आप ही लोग चाहें, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, अगर आप ही लोग चाहें तो ऊपर जाके मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो गाइज ये बात हो गई, अब अपन बात करते हैं मैं आपसे जो आज कहने वाला हूँ वो गाइज बात ये है कि अगर आपको फैंटेसी खेलना है, सीरियसली खेलना है, तो गाइज एक मस्ट हैव ऐप, ये 4 ऐप अपने फ़ोन में रख लीजिए आप। मैंने सारे ऐप हटा दिए। मैं गाइज आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ तो गाइज मैं हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐप से हारता हूँ, दूसरे ऐप पर भाग जाता हूँ, फिर इधर चला जाता हूँ, फिर उधर चला जाता हूँ। तो लेकिन अभी कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15 दिन हुए होंगे मुश्किल से, मैंने ये करना बंद कर दिया और मैं सीरियसली होके खेल रहा हूँ फैंटेसी को बिल्कुल प्रोफेशनली। तो गाइज़ आप लोगों को भी यही काम करना है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग सब लोग देख लीजिए यहाँ से। तो गाइज़ आपकी डिवाइस की रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ ये 4 ऐप्स। अब गाइज़ ये 4 ऐप्स आपकी डिवाइस की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये मैं आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ। नंबर 2 पर गाइज़ मैंने रखा हुआ है 11 चैलेंजेस को, नंबर 3 पर मैंने रखा हुआ है गाइज़ विजन 11 को, 4 पर मैंने रखा हुआ है ड्रीम 11 को, नंबर 1 पर मैंने रखा हुआ है बैट बॉल 11 को। अब गाइस मैंने ऐसा क्यों किया है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 11 चैलेंजेस गाइस मोस्ट अंडररेटेड ऐप है फैंटेसी का। अगर आप किसी भी ऐप, कोई बड़े से बड़ा मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप ड्रीम 11 से भी 11 चैलेंजेस का कंपेरिजन करेंगे, तो एक पल अगर आप ड्रीम 11 पे बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं तो अब आपको 11 चैलेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज काफ़ी अंडररेटेड ऐप है। ये लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते नहीं हैं अपने प्रमोशन में, इस वजह से लोगों को इतना शायद ना पता हो। लेकिन अभी 1 तारीख के बाद, जैसा मैंने आपसे बोला था 1 अगस्त के बाद, यहाँ पे गाइस इतना ट्रैफिक आ चुका है अच्छा खासा कि कोई भी कॉन्टेस्ट अब खाली नहीं जा रहा है। प्लस यहाँ पर ऑल स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हर उसके लिए, प्लस गाइस बोनस इतना यूज़ होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। 11 चैलेंजेस के ऊपर गाइस मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं 11 चैलेंजेस के फ़ायदे। ऑल स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। अब गाइस दूसरे तीसरे नंबर पे जिसको मैंने रखा हुआ है वो है विजन 11। विजन 11 के गाइस बारे में आपको सबको पता है, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है हाई गेम। तो गाइस हाई गेम मैंने क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर अच्छे खासे लोग हैं तो कॉन्टेस्ट की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस विजन 11 की एक बात कर लेते हैं, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक चीज़, देख लेना आप लोग बिल्कुल ध्यान से। ये रहा गाइस विजन 11 का ऐप, अभी ये मैं T10 खेल रहा था वो तो ख़त्म हो गया। यहाँ से गाइस आप लोग देख लीजिए,
जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा 22-23 हज़ार का लॉस हो गया, तो गाइस इसलिए मेरा वॉलेट बैलेंस अब आ गया है 4 हज़ार करीब पे, नहीं तो मेरे पास 25-26 हज़ार रुपये थे। अब गाइस यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये इसकी प्रोफाइल है मेरी, यहाँ से आप देख लीजिए गाइस 363 मैच मैंने खेले हुए हैं, विनिंग गाइस मेरी देख लीजिए 1,30,000 कुछ है। अब गाइस ये 1,30,000 कैसे है ये मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब टोटल इतना पैसा इस ऐप से मैं जीता हुआ हूँ अभी तक। तो अब गाइस ये मैं कैसे जीता हूँ ये मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपको मेरी बात क्यों सुननी है। तो गाइस ये रहा वो स्क्रीनशॉट जो मैंने अपने ही एक चैनल इस पे मैसेज में सेव करके रखा हुआ है, तो मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था। गाइस यहाँ से आप देख लीजिए, ये मैंने अभी 15 ही दिन हुए होंगे, 15 या 16 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने अपने एक फ्रेंड को भेजा था, अपने ही चैनल, अपने ही टेलीग्राम चैनल का सब्सक्राइबर है, उसको मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजा था कि भाई ये ऐप ठीक ठाक लग रहा है मुझे, मेरी ये गाइस जो विनिंग है आप देख सकते हैं 25,461। ये गाइस मेरी विनिंग कब की है आप लोगों को मैं अगर बता दूँ तो गाइस ये विनिंग है मेरी 1.5 साल पहले जब मैं खेलता था फैंटेसी, जब मैं थोड़ा बहुत खेलता था। तो गाइस मैं क्या करता क्या था, मैं कॉन्टेस्ट कौन से खेलता था, 17-19 ज़्यादा से ज़्यादा 50 वाला खेल लिया, 50 से 120 वाला वो वाला खेल लिया। तो गाइस मैं तब ऐसे खेलता था, तो इसलिए गाइस मैं इतने ही कॉन्टेस्ट खेलता था और विनिंग मेरी इतनी सी ही थी, तो इस वजह से 15 दिन में गाइस अगर आप फ़र्क दें तो 25,000 से यहाँ से आप देख लीजिए 1,30,000। अब यहाँ पर गाइस एक चीज़ नोटिस करने वाली क्या है, यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट देख लीजिए कितने जीता हूँ मैं, 365, यानी जब मैं सस्ते बहुत खेलता था 17 वाले या वैसे बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट करता था, और यहाँ पर आप देख लीजिए 420 कॉन्टेस्ट पर मेरी विनिंग है 1,30,000। अब आप फ़र्क खुद लगा लीजिए कि ये 75-30 करीब 1,20,000 प्लस विनिंग जो मेरी है वो गाइस कैसे है, 365 कॉन्टेस्ट और 420 कितना ही फ़र्क है गाइस। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय आप यहाँ से देख लीजिए गाइस कोई भी मैच हो, यहाँ पर गाइस एक बेस्ट फीचर इसका और है कि एक्स्ट्रा टाइम तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस साथ में आपको क्या है आप अपने फेवरेट कॉन्टेस्ट पिन कर सकते हो, यहाँ पर जैसे मैं पिन कर रहा हूँ। तो गाइस मैं ये कॉन्टेस्ट खेलता हूँ आज, जिन लोगों को जानना है वो जान लें, अगर गाइस मैच अच्छा खासा हुआ तो मैं हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट उसमें ये करता हूँ 1450 के 4 खेल लिए, अदरवाइज़ जो लो इन्वेस्टमेंट थोड़े रिस्क वाले मैचेस होते हैं उनमें गाइस मैं ये तीनों कॉन्टेस्ट खेलता हूँ। तो गाइस आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया, तो गाइस होप आप लोग इसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अब गाइस एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गई बात विजन 11 की, अब गाइस बैट बॉल 11 की बात कर लेते हैं। तो बैट बॉल 11 का तो एक अच्छा खासा एग्जांपल मैं आपको यहीं पर दिखा सकता हूँ अभी हाली। बैट बॉल 11 पे गाइस मुझसे ज़्यादा शायद बहुत ही कम लोगों ने खेला होगा रिसेंट टाइम में, मैंने बैट बॉल 11 पे बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। और गाइस यहाँ से आप मेरे चैनल पर जाएंगे, पिन मैसेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये गाइस रिजल्ट है मेरे जो बैट बॉल 11 के, उसमें से कुछ जो मेरे टॉप के यानी जिसमें अच्छी खासी विनिंग हुई थी वो पिन करके रखे हुए हैं। तो गाइस यहाँ से आप देख लीजिए बैट बॉल 11 क्या है, गाइस एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ऐप है, जैसे 11 चैलेंजर्स है वैसे ही बैट बॉल 11 स्मूथ ऐप है। बाकी क्या है, इस पर ऑल स्पोर्ट्स अब आ गए, नहीं तो पहले सिर्फ बैट बॉल था, सॉरी बैट बॉल ही था। लेकिन गाइस इस पे क्या है, लोएस्ट फीस है विजन 11 पे, सबसे लोएस्ट है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, सबसे कम अगर इस वक्त फैंटेसी मार्केट में कोई ले रहा है तो विजन 11 ले रहा है सबसे कम यूज़र से फीस, और विनिंग दे रहा है सेम जितनी ड्रीम 11 आपको देता है। बाकी उसके बाद आता है गाइस बैट बॉल 11 फिर 11 चैलेंजेस। तो बैट बॉल 11 पे गाइस आप यहाँ से देख लीजिए 25,000 मेरी विनिंग मिनी ग्रैंडी, ये गाइस 25,000 कितने रुपये से थी गाइस आप लोग मानोगे, 500 रुपये से। ऐसे ही गाइस एक और रिजल्ट है यहाँ, ये तो मिनी जीएल की बात हो गई, एक और ये भी रिजल्ट है गाइज मेरा, इसमें भी मैंने मिनी जीएल करी थी। तो गाइज यहाँ पर मिनी जीएल क्या है, आसान है, आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, बिकॉज़ क्या है आप गाइज फोकस करो अपना कि आप हज़ारों लोगों में खेलो, आप लाखों लोगों में नहीं खेलो, लाखों में खेलोगे तो आपको खुद पता है कि आप 4-4 घंटे मैच खत्म होने का वेट करते हो, आपकी सिर्फ एंट्री फीस निकल के बाहर आती है, लेकिन यहाँ से आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल के आ सकता है। तो इसलिए मैंने गाइज आपको बताया। अब गाइज एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से गाइज अब कौन सा बचा है, ड्रीम 11। तो गाइज ड्रीम 11 का आप लोग सिर्फ यूज़ करो मेगा ग्रैंड लीग के लिए, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोग से ग्रैंड लीग यहाँ पर ड्रीम 11 पर मत खेलो, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ ड्रीम 11 बुरा ऐप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं कहा है कि ड्रीम 11 पे हारोगे या ये, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी चीज़ को जो 400 रुपये में आपके सामने रखी है तो आप उस चीज़ के 500 रुपये क्यों दोगे, आप खुद सोचो, खुद सोचो, अपने आप से पूछो कि आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं दूंगा ना मैं देता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ। बाकी ड्रीम 11 कोई बुरा नहीं है गाइस, जैसे ही अदर ऐप है वैसे ड्रीम 11 भी है, लेकिन बस बात यह है कि गाइस कमीशन हाई है, बिकॉज वो लोग अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रांड बन चुके, इसलिए तो आप लोग देख लो गाइस यहाँ से। बाकी
जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उससे, और बाकी जो आप अपनी खुद की तैयारी करते हो उससे आप यहाँ पर बिगा ग्रैंडली खेलो, ठीक है गाइस। अब गाइस मेन बात यहाँ से जो मुझे करनी थी आप लोगों से, गाइस इन तीनों ऐप पे इस वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अब गाइस आप लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, आप लोगों को करना क्या है, इन तीनों ऐप में से, ये तीनों ऐप में से किसी भी एक ऐप पर साइन अप करना है, कोड यूज़ करना है BF Tips, ठीक है गाइस। इस वीडियो के नीचे आपको इसकी तीनों ऐप की लिंक मिल जाएगी, प्लस कोड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। कोड गाइस क्या है, BF Tips, TIPS। साइन अप करते वक्त आपको ये कोड यूज़ करना है और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, कहाँ पर, इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर आपको मुझे मैसेज भेजना है। यहाँ से आप देख लीजिए, ये गाइज हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आपको यहाँ पर मैसेज करना है कि भाई मैंने आपके कोर्स से साइन अप कर लिया। जब गाइज आप लोग ऐसा कर लोगे, ये आप देखिए इंस्टाग्राम पे, या तो आप डायरेक्ट डालेंगे BFT Family, बेस्ट फैंटेसी टिप्स फैमिली, जो ये यूज़र नेम डालेंगे तो आपको यहाँ से हमारा चैनल मिल जाएगा। आपको यहाँ पर मुझे मैसेज करना है कि भाई मैंने आपका कोड यूज़ कर लिया, ये है मेरा टीम नेम। आप तीनों में से किसी भी ऐप पर साइन अप करो, अपना टीम नेम का स्क्रीनशॉट जो होता है वो मुझे आप भेजो, ताकि मैं आप लोगों को अलग से एक ग्रुप में ऐड कर लूँ। गाइस अब आपको बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सिर्फ आपका ही बेनिफिट नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूँ अच्छे से। तो आप लोग करना क्या है गाइस, मैं गाइस बहुत मैच खेलता हूँ दिन भर में, ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊँ, मैं गाइस फुटबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, कबड्डी भी खेलता हूँ, कबड्डी अभी बंद है, एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। तो गाइस जो भी मैच मैं खेलूँगा उसकी मैं टीम आप लोगों को दूंगा, तो गाइस ओवरऑल आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे एट द एंड ऑफ द डे मेरी तरह, क्योंकि गाइस कोई भी आदमी अगर आपको टीम दे रहा है या मैं दे रहा हूँ, कोई भी दे रहा है, तो वो इस वजह से तो देगा नहीं कि आप हारो, अगर आप हारोगे तो आप उसका चैनल वैसे भी छोड़ के चले जाओगे, तो उसका एक बंदा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। बाकी देखो गाइस लॉस और प्रॉफिट फैंटेसी का पार्ट है, लॉस मेरा भी अच्छा खासा होता है गाइस। अभी गाइस 2 महीने में मुझे 4 झटके लगे, कल का झटका मिला के चौथा झटका हो गया। पहला गाइस लगा था 30,000 का, फिर उसके बाद 27,000 का, और कल फिर 23,000 का। तो गाइस ऐसा होता रहता है, महीने में 2-3 दिन ऐसे आते हैं जहाँ पर क्लीन लॉस होता है, और गाइस जब क्लीन लॉस होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर मैं 4 कॉन्टेस्ट खेला हूँ तो उसमें से मैं 2 जीत जाऊँ या 1 भी जीत जाऊँ तो कुछ तो उससे आता है, लेकिन अगर कुछ भी ना आए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मेरी तरफ से पूरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को बेस्ट दूँ, क्योंकि मैं खुद बेस्ट से जाऊँगा, जिससे मैं जाऊँगा वही आप लोगों को देता हूँ हर बार, और रिज़ल्ट भी दे देता हूँ चाहे मैं हारूँ चाहे जीतूँ। तो गाइस आप लोग क्या है, एक आदमी को फॉलो करो, आप लोग 10 लोगों को फॉलो करोगे, कोई आपको एक बार जिता देगा, एक बार हरा देगा, आप उसको छोड़ दोगे, फिर आप दूसरे को पकड़ोगे, वो एक बार जिता देगा हरा देगा, तो ऐसे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको करना क्या है, एक को फॉलो करो, वो अपने लिए 100% अपना देगा, अपने लिए देगा तो आपको भी उससे फ़ायदा होगा। तो गाइस होप आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। अगर गाइस एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं गाइस अपना टाइम दे रहा हूँ, हर आदमी का गाइस पर्सनल लाइफ होती है, अपने अपने काम होते हैं, मैं भी गाइस कंटेंट राइटिंग डाटा एनालिस्ट की जॉब करता हूँ, फ्रीलांसर हूँ, तो गाइस मैं भी उससे टाइम निकाल के अगर आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ तो गाइस कुछ ना कुछ मेरा बनना चाहिए। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया प्रमोशन का, तो गाइस इस वक्त मुझे कोई भी ऐप कमीशन नहीं दे रहा है, मुझसे कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ, ताकि अगर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर, 2,000 या 3,000 हो जाए तो ऐप मेरी बात सुनने लगे, मुझसे पार्टनरशिप करें। इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इन तीनों में से किसी भी ऐप पर आप साइनअप कर लो, चाहो तो तीनों पर कर सकते हो, तीनों ही बेस्ट ऐप है, या 2 पर कर सकते हो, 1 पर भी कर सकते हो, लेकिन आपको साइनअप करना है और उसी पर खेलना है मेरी टीम से। अगर आप ऐसा करते हो तो वेल एंड गुड, आप मेरी लिस्ट में रहोगे, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो गाइस आई एम सॉरी, बिकॉज अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ, अभी तो आप लोगों से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ फ्यूचर में आप लोगों से कुछ मिले ही, जब आप डिपॉजिट करते हो, जब आप जीतते हो, तो उससे कुछ परसेंट जो कंपनी कमीशन कमाती है वो उसमें से कुछ मुझे दे। तो गाइस इसमें कोई बुराई नहीं है, जो बातें साफ है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइस एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह मैं आप लोगों का साथ चाहिए मांग रहा हूँ, तो अगर आप लोग साथ दे सकते हो, आप लोग कहीं कहीं भी खेलते हो, कितनी जगह खेलते हो, आप लोगों को याद भी नहीं होगा आप लोग किस किस के कोर्ट से खेल रहे हो, किस किस को कितना फ़ायदा करा रहे हो। तो गाइस मुझे तो अभी कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है मिल जाए, और बाकी 3,000 सब्सक्राइबर करना भी कोई छोटी मोटी बात है नहीं, तो उसके लिए मुझे भी काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो इसलिए गाइस अभी से आप लोग इन तीनों में से किसी भी ऐप पर, या चाहो तो 3 पर कर सकते हो या 2 पर कर सकते हो, बाकी गाइस इसको और इसको तो मिस करना ही मत बिल्कुल भी, बाकी ये तो फिर है ही, बाकी इन दोनों को तो मिस करना ही नहीं बिल्कुल भी, आप साइन अप कर लो, तीनों पे ही कर लो यार अगर नहीं किया हो तो, और अगर जैसे आप पहले से किसी पे की हो तो भी आप मुझे मैसेज करके बता दो, तो मैं देख लूँगा अगर कुछ हो सकता है उसका तो, लेकिन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर ज़रूर बताओ। बाकी वीडियो की लिंक, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन तीनों ऐप की लिंक मिल जाएगी,
अगर कोई ऐप की लिंक बाई चांस काम नहीं करती है गाइस, तो आप डायरेक्ट गूगल पे उस ऐप का नाम डाल सकते हो, और क्या है जब साइनअप करो तो BF टिप्स यूज़ करके मुझे भेज देना। तो गाइस होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी क्या है गाइस, साथ में काम करेंगे, साथ में कमाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू गाइस, बी सेफ़।